स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु कैसी हुई। दोस्तों, ये बात आज भी एक रहस्य बनी हुई है। स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई थी, लेकिन आज भी उनके निधन के पीछे का कारण नहीं पता है। स्वामी जी की मृत्यु कई लोगों के लिए रहस्य है, क्योंकि उनके फॉलोअर्स मानते हैं कि स्वामी जी ने स्वेच्छा से समाधि के लिए शरीर त्याग दिया था। स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी कि वे 40 वर्षों तक जीवित नहीं रहेंगे। स्वामी जी ने 4 जुलाई 1902 को अपनी मौत के दिन संध्या के समय वेलूर मठ में 3 घंटे योग किया। शाम के 7 बजे अपने कक्ष में जाते हुए उन्होंने किसी व्यवधान न पहुँचाने की बात की और 9:10 में उनकी मृत्यु की खबर पूरे मठ में फैल गई।